हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का न्यूज़ का हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सबको कल बताया था, अरुणाचल प्रदेश वुमेन कमीशन ने क्लियरिफिकेशन दिया है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट को लेकर क्लियरिफिकेशन देते समय को उन लोग ने आपसू का नाम भी लिया था, आपसू को मेंशन किया था। यह कहा था कि हम लोग ने तो आपसू को भी बुलाया था ये ड्राफ्ट बनाने से पहले डिस्कशन करने के लिए। आज आपसू का वुमेन विंग ने उन लोग को रिप्लाई दिया है। आपसू का कहना है कि उन लोग ने ये चीज़ को रिजेक्ट किया था, लेकिन बुलाने में बुलाया था उन लोग को भी डिस्कशन करने के लिए, लेकिन आपसू ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। देखते हैं आगे में क्या होता है। अगर आगे में कुछ अपडेट आने से आप सबको फिर से बताऊंगा। एंड दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी इससे रिलेटेड ही है, जेंगिंग ऑपरेशन से ये न्यूज़ जो आ रहा है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स्ट्रा असिस्टेंस कमिश्नर फिलिप जरंग ने अभी नोटिस सर्कुलेट किया है, जारी किया है। नोटिस में कहा है कि ऑफिस में बहुत लोग कंप्लेन अभी कर रहे हैं, उन कंप्लेन रिसीव कर रहे हैं। विलेजेस एरिया में नॉन एपीएससी को पीआरसी एंड एसटी इशू किया जा रहा है। ये चीज़ को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को भी ऐसे दिखाई देगा, दिखाई देने से उसको उसका पोस्ट से हटाया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, उसके बाद एस पर लो उसको एक्शन लिया जाएगा। ये फिलिप जरंग का नोटिस अभी बहुत ही सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इसीलिए अभी अरुणाचल का आदमी लोग उसको जमकर तारीफ कर रहा है, ऑफिसर हो तो ऐसे होना है बोल के। और मैं भी चाहता हूँ कि ये नोटिस जो हर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन में सर्कुलेट करना चाहिए, स्पेशली विलेज एरिया में, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली ऐसे कुछ ना कुछ अपडेट लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय।